दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं ये एम्पलीफायर को बनाकर दिखाया था और वीडियो लंबा हो चुका था, तो मैं अगले वीडियो में मैं इसको साउंड टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। और आप सुन सकते हैं कि ये 20 साल पहले किस प्रकार से ये साउंड निकलता था। आज भले ही इसका महत्व ख़त्म हो गया है, आज कई सारे कंपनी मशीन को तैयार करने में अपना एक से एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, लेकिन पहले यही मशीन चलता था और ये मैनुअली बनता था, बॉडी अलग, किट अलग तैयार किया जाता था। तो चलिए मैं इसका साउंड टेस्ट करता हूँ और आप सुन सकते हैं। दोस्तों, आप इसका साउंड टेस्ट कर लिए हैं और इसमें दो चैनल हमारा बजता था, दो इसमें बॉक्स लगता था, 10 इंची स्पीकर इसमें बजता था एक चैनल, और 12 इंची भी इसमें सपोर्ट कर जाता था। और ये मैनुअली हाथ से ये किट तैयार होता था, एक एक रेजिस्टेंस, एक एक डायोड इसमें लगाया जाता था। और ये दौर तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिस कस्टमर ने इसे संभाल कर रखा था, उनका कहना था कि ये अभी भी उतना ही बढ़िया बजता है जितना 20 साल पहले ये बजता था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो बास ट्रेबल लगा हुआ है, ये बास ट्रेबल 120 वाट का नाम से ये बास ट्रेबल आता था। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आप देख सकते हैं, ये 120 वाट का बास ट्रेबल है और ये बास ट्रेबल मैं खुद से तैयार किया हूं अपने हाथों से। जो भी प्रिंट आप देख रहे हैं, ये प्रिंट मैं खुद अपने हाथों से तैयार किया हूं। और मैं आपको अगले वीडियो में कभी मैं आपको ये प्रिंट पीसीबी बनाकर दिखाऊंगा। आप किसी भी पीसीबी को कॉपी कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा कितना बेहतरीन तरीका से ये बना हुआ है और ये भी हमारा साउंड अच्छा देता है, टेस्ट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये 20 साल पहले का है और ये अभी का हमारा बना हुआ है, आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि पहले आप देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार का कैसेट चलता था, अब इसका ज़माना लग चुका है, अब तो मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ सब कुछ आ चुका है, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं ब्लूटूथ इसमें लगा चुका हूँ ताकि ये कैसेट का कोई ज़रूरत न पड़े, क्योंकि ये कैसेट तो अब मार्केट में बंद हो चुका है और ये काफ़ी महंगा आता था,
ये एक कैसेट का दाम पड़ता था 60 से 65 रुपया, आज से 25 साल 20 साल पहले, और काफ़ी कॉस्टली था। आदमी पहले बहुत जुगाड़ करके कैसेट, एक कैसेट ख़रीदता था जिसमें 8 गाना रहता था, 4 गाना एक साइड और 4 गाना एक साइड। ये कैसेट को इस प्रकार से लगाया जाता था। ये कैसेट आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से हमारा लगता था। और आज ये दौर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये हमारा वीडियो बहुत ही मेहनत से बनता है, और आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट भी कीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार रहूँगा बताने के लिए। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।